सिकंदर के आगे नहीं टिक पाएगा कोई। सलमान खान ने शुरू कर दी है जीत की तैयारी। सुपरस्टार सलमान खान इस साल अपनी कोई फिल्म लेकर नहीं आ रहे हैं। इस साल ईद भी बिना भाईजान की फिल्म के गुजर गई, लेकिन अगले साल ईद पर बड़ा धमाका करने के लिए सलमान खान अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर के जरिए सलमान खान इस एक साल की कमी को पूरा कर देंगे। सिकंदर एक कंप्लीट एक्शन फिल्म होने वाली है। इस पिक्चर के लिए भाईजान स्टंट और एक्शन पर अपनी कड़ी मेहनत करने वाले हैं। सलमान खान 27 जून के आसपास सिकंदर की शूटिंग शुरू करेंगे। 3 हफ्ते बाद ये फिल्म फ्लोर पर उतर जाएगी। एआर मुर्गादास के साथ पहली बार सलमान खान काम करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सलमान खान फिल्म के लिए काफी इंटेंस मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इस हफ्ते चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि सलमान खान अगले हफ्ते चेन्नई जाने के पीछे का एजेंडा ये है कि वहां वो दमदार फाइट के लिए रिहर्सल करेंगे। अपने 3 दशक के करियर में सलमान ने कई एक्शन फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिर भी वो सिकंदर के साथ किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिल्म में एक्टर एक ऐसा किरदार निभाने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इसकी तैयारी सलमान ने पिछले महीने से शुरू कर दी है। वही फिल्म के डायरेक्टर ने सलमान खान के लिए कुछ खास एक्शन कोरियोग्राफरों को शामिल किया है। उन्होंने फिल्म के लिए कुछ खास फाइट सीक्वेंस डिजाइन किए हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों के अंदर सलमान खान को परफेक्ट बनाना होगा। सलमान खान के साथ साथ ये स्टंट पूरा करवाना पूरी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। चेन्नई के अलावा कुछ रिहर्सल हैदराबाद में भी होंगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा हैदराबाद और यूरोप की कई लोकेशन पर की जाएगी। हालांकि अभी तक कुछ लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है ताकि प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई जानकारी लीक न हो। मुर्गादास पहले फिल्म के एक्शन सीन्स को प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं। सलमान खान खुद अपने स्टंट करने वाले हैं, इसलिए डायरेक्टर चाहते हैं कि पहले उन्हें ही शूट किया जाए।